थोड़ा सा आगे है, लेकिन R15M क्या टक्कर दे रही है यार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हमारे सामने दो ब्यूटीफुल मशीन्स है, एक है जावा पैक पावर बाइक और एक है अपनी R15M। दोनों बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी की बाइक है। जावा पूरी की पूरी क्रूजर बोवर है और अपनी R15M पूरी की पूरी स्पोर्ट्स बाइक है। तो गाइस आज हम इस दोनों बाइक को कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दोनों की प्राइस सेम सेगमेंट में है, 2.2, 2.25, 2.3। R15M आपको मिल जाता है 220 ऑन रोड और 225 के आसपास, और जो जावा पैरक बॉबर है वो भी हमें ऑन रोड 220, 230 के आसपास मिल जाती है। जब हमने परचेज किया तो 220 की थी। तो फ्रेंड्स ये दोनों बाइक सेम प्राइस सेगमेंट में आती हैं। दोनों का इंजन डिस्प्लेसमेंट काफ़ी डिफरेंट है। ये 334 सीसी की बाइक है जावा पैरक, और अपनी R15M 155 सीसी की बाइक है। 30 पीएस के पावर मिल जाती है हमें जावा पैरक में, R15M में हमें 18.6 पीएस की पावर मिलती है, और टॉर्क भी जावा पैरक का काफ़ी ज़्यादा है, 31 Nm टॉर्क मिल जाता है और हमें इसमें 14.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम ये कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास 220, 230 का बजट है तो हमें R15M लेनी चाहिए या V4 लेनी चाहिए, या फिर हम जावा पैरक बॉबर बाइक में जाएं। बिकॉज बॉबर का इंजन बड़ा है, पीएस पावर भी ज़्यादा मिल जा रही है, टॉर्क भी ज़्यादा मिल जा रही है, लेकिन R15M सेम प्राइस सेगमेंट में काफ़ी प्रीमियम लग रही है। बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक है, सारा चीज आपको हाई एंड फीचर्स मिल जाते हैं उसमें। क्विक शिफ्टर मिल जाता है, TCS मिल जाता है, फुल LED लाइट मिल जाते हैं, बॉबर में वही हैलोजन लाइट है। तो फ्रेंड्स इसका ये कंपेयर कर रहे हैं आज हम कि हमें जावा पैरक बॉबर लेनी चाहिए या R15M लेनी चाहिए। आप क्या कहते हैं गाइस? आप कमेंट करके बताइए मुझे कि अगर आपके पास इतना बजट है और आप जावा पैरक बॉबर में जाएंगे या R15M में जाएंगे। आज इसका हम ड्रैग रेस कंपटीशन भी करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी बाइक ज़्यादा फास्ट है। बिकॉज आप सबको पता ही है कि R15M एक ऐसी बाइक है, R15M, R15 V3 और V4 जो 200 सीसी की बाइक को टक्कर देती है, और टॉप स्पीड में तो सबकी बाप है। बाकी दोनों गाड़ी बहुत ही ऑसम है, काफ़ी यूनिक है दोनों गाड़ी। R15M अपनी जगह में बेस्ट है और जावा पैरक भी अपनी जगह में बेस्ट है, और काफ़ी यूनिक लगती है जब रोड में चलती है तो। और ऐसा नहीं कि जावा पैरक का पिकअप वगैरह कम है, पिकअप भी बहुत अच्छी है और टॉप स्पीड भी काफ़ी जाती है, 140 तक चली जाती है। आई थिंक मैंने पूरा भगाया नहीं है 140 तक। और पैरक में स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है और R15M में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जिससे इनिशियल इंक्रीज हो गई है आजकल। तो चलिए ड्रैग रेस शुरू करते हैं। लोग R15M कड़ी टक्कर दे रही है जावा को, एकदम पास में है, जबकि आपको पता है कि 30 पीएस की पावर है जावा पैरक में। बट R15M तो R15M है, जब इसका V2 चालू हो जाए ना, ये देखो निकल गई। और यार जब से फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाया ना, उससे तो इनिशियल और इंक्रीज हो गई है और फर्क लग रहा है और इसका फायदा मिल रहा है मेरे को। तो चलिए एक बार दूसरा राउंड ट्राई करते हैं। क्या बढ़िया लॉन्च रही हमारी यार, और पैरक को पीछे छोड़ दिया, अब निकलने दूंगा नहीं आगे, फुल रेस दे रहा हूँ यार। जस्ट मेरे पीछे ये भाई और मेरे पर दिख रहे हैं, लेकिन निकलने दूंगा नहीं। अब इसको पकड़ लिया R15M तो फिर तब तो चीता बन जाता चीता। तो फ्रेंड्स बहुत कड़ी टक्कर दे रही है R15M जावा पैरक बॉबर बाइक को, और एग्जॉस्ट लगाने के बाद देखा इतना फ़ायदा मिल जाता है कि इसकी इनिशियल इतनी इंक्रीज हो गई है कि ये 335 सीसी की बाइक को टक्कर दे रही है पैरक को, आगे निकलने दिया ही नहीं इसने। तो चलिए एक बार लास्ट बार फिर से ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसी टक्कर देती है R15M दोबारा पैरक को।
तो दोस्तों इस बार हमने हॉर्न नहीं दिया और साथ में ही लॉन्च किया हमने, और पैरा थोड़ा सा आगे है लेकिन R15M क्या टक्कर दे रही है यार, मज़ा आ गया बाइक में। तो मतलब पैराक को टक्कर दे रही है, जबकि पैराक के इनिशियल पिकअप और टॉप स्पीड इतना अच्छा है। तो गाइस समझिए कि R15M बहुत तगड़ी बाइक है यार अपने सेगमेंट में, तभी तो इतनी बिकती है। सब कुछ मिल जाता है आपको, पिकअप, माइलेज, पावर, टॉप स्पीड, एवरीथिंग, लुक्स। अब पैराक को टक्कर दे रही है ये बहुत बड़ी बात होती है। लगभग प्राइस सेगमेंट थोड़ा सा 5-10 हज़ार रुपये ऊपर होगा पैराक का, लेकिन यार 335 cc 30 PS की पावर, 31 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और R15M में 18.35 PS पावर, 14.2 Nm टॉर्क और 155 cc लिक्विड कूल्ड VVA इंजन। और पैराक भी लिक्विड कूल्ड है, उसमें भी कूलेंट पड़ता है, बट कुछ टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत R15M का हाईफाई है। बट यार R15M को मानना पड़ेगा, तभी तो लोग कहते हैं कि यार यमा ने क्या इंजन दे दिया इसमें, सबकी हवा टाइट कर देता है ये। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।